गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम कम्युनिकेट इन इंग्लिश क्लास फोर्थ की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 द ट्री स्पिरिट है। ट्री का मतलब पेड़ और स्पिरिट मतलब उसकी आत्मा, पेड़ की आत्मा। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम अपना इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं, जो कि है ए टेल दैट हैज़ बीन टोल्ड ओवर मैनी मैनी ईयर्स इज कॉल्ड ए फोक टेल। रीड दिस ब्यूटीफुल फोक टेल अबाउट ए किंग एंड ए ट्री स्प्रिट। वो क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ही पुरानी कहानी है। फोल्क टेल मतलब कि पुरानी कहानी है जो कि बहुत समय से आती जा रही है। तो इस ब्यूटीफुल कहानी को पढ़ो, फोक टेल कहानी को पढ़ो, जो कि एक किंग और एक ट्री स्प्रिट के बारे में है। एक किंग, एक राजा और पेड़ की आत्मा के बारे में है। चलिए हम पढ़ते हैं। देर वॉज वंस ए किंग इन फार अवे लैंड, ही हैड ए ग्रैंड आइडिया। किंग था जिसके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। आइडिया क्या था, हम भी चलो देखते हैं। आई वॉन्ट ए ब्यूटिफुल पैलेस, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाई ए सिंगल कॉलम इन द सेंटर। तो जो किंग है वो क्या कह रहा है कि मैं एक ब्यूटिफुल पैलेस बनाना चाहता हूँ, एक बहुत सुंदर पैलेस बनाना चाहता हूँ जो कि सिर्फ एक पिलर से सपोर्ट हो, बीच में सिर्फ एक पिलर से वो सपोर्ट हो। इसका ये आइडिया है। द किंग हैज़ चीफ मिनिस्टर्स, तो किंग ने अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाया। सेंड मैन टू अवर फॉरेस्ट, और मैन और आदमी लोग को फॉरेस्ट में भेजो, जंगल में आदमी लोग को भेजो। टेल देम टू कट डाउन द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री दे कैन फाइंड एंड ब्रिंग इट टू मी। फिर वो क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा और जो मजबूत ट्री होगा उसे हेर के मेरे पास तक लाओ। यस योर मैजेस्टी। फिर वो क्या कहते हैं उसका चीफ मिनिस्टर कि हाँ मेरी मैजेस्टी, मैं अभी लाता हूँ। द मिनिस्टर सेंड आवर 30 फॉरेस्टर। फॉरेस्टर कौन होते हैं, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, वहाँ के काम करते हैं और ट्री की देखभाल करते हैं, उसके जानवरों को, उसके जो वहाँ के जानवर होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उसे हम लोग फॉरेस्टर कहते हैं। तो किंग ने 30 फॉरेस्टर्स को भेजा, और कुछ दिनों बाद आफ्टर ए फ्यू डेज दे रिटर्न, कुछ दिनों बाद वो लोग आ गए। There are many genetic trees in the forest. We cannot carry them and bring them to the city. तो जो फॉरेस्टर है उन लोग क्या कह रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे जेनेटिक ट्रीज हैं, मतलब बहुत ही बड़े बड़े जेनेटिक, मतलब कि बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, पर हम लोग उसे फॉरेस्ट से सिटी तक नहीं ला पा रहे हैं मेरे किंग। तो वेरी वेल, फाइंड ए ट्री इन द सिटी पार्क, ब्रिंग इट टू मी इन 7 days. तो जो किंग है वो क्या कहते हैं कि बहुत अच्छी तुम लोग ने कोशिश की, सिटी पार्क ही में, सिटी या पार्क में कोई पेड़ है लो जो, और मुझे 7 days में ला के दो। द फर्स्ट फाउंड ए स्प्लेंडेड साल्ट ट्री दैट ग्रू नियर द पैलेस, दे डिसाइडेड टू कट इट डाउन। तो जो फॉरेस्टर्स थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक स्प्लेंडेड ट्री मतलब कि एक बहुत ही बड़ा साल्ट ट्री है लिया, बहुत ही बड़ा ट्री है लिया जो कि मजबूत था और बड़ा था, और वो पैलेस के पास ही में उगा था। दे डिसाइडेड टू कट इट डाउन, उन्होंने उसे काटने की सोची। ओ प्लीज़ डू नॉट हार्म दिस स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल ट्री, इट इज़ द होम ऑफ एशियंट एंड वाइज स्प्रिट हु हैज़ प्रोटेक्ट अस ऑल फॉर जनरेशन। फिर जो यहाँ के पीपल इसमें रहते थे, ये जो पीपल यहाँ रहते थे उन लोग क्या बोल रहे हैं, इसके आसपास रहते थे उन लोग क्या कह रहे हैं कि प्लीज़ ये हमारे ब्यूटीफुल ट्री को मत काटो, ये एक बहुत ही पुरानी स्प्रिट का घर है, एक स्प्रिट मतलब पेड़ की आत्मा का घर है जो कि हमें आने वाली जनरेशन में बचाती आई है, मतलब कि जनरेशन मतलब कि आने वाले समय जो आता रहा उसमें बचाती आई है हमें। इट इज़ द किंग ऑर्डर। फिर जो मिनिस्टर थे, जो फॉरेस्टर थे, उन्होंने कहा कि ये किंग का ऑर्डर है, तुम्हें ये मानना ही होगा। द फॉरेस्टर स्पोक रिस्पेक्टिवफुली टू द ट्री स्प्रिट, जो फॉरेस्टर थे उन्होंने ट्रीज की स्प्रिट जो थी, ये जो ट्री की स्प्रिट है, उनसे रिस्पेक्टफुली कहा, यू मस्ट लीव द ट्रीज विद इन 7 days, द किंग नीड्स द वुड फ्रॉम दिस ट्री टू बिल्ड हिज न्यू पैलेस। तो उन्होंने क्या कहा कि जो किंग है उन्हें तुम्हारी लकड़ी चाहिए, तो तुम्हें 7 दिनों में यहाँ से जाना ही होगा, हम तुम्हें काट देंगे। दिस मस्ट नॉट बी अलाउड टू हैपन। तो जो ट्री स्प्रिट है वो क्या करी, ये हैपन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, उसे इस बात का बहुत दुख है, तो बोल रही है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। द ट्री स्प्रिट बिकम सैड, तो जो ट्री स्प्रिट थी, जो पेड़ की आत्मा थी, वो दुखी हो गई। आई विल विजिट द किंग एंड ट्राई टू चेंज हिज माइंड,
तो फिर वो बोल रही है ट्रिस्पिट कि मैं किंग के सपने में जाऊंगी और उसके आइडिया को चेंज करने की सोचूंगी, उसके माइंड को चेंज करने के लिए मैं सोचूंगी। द नाइट द ट्रिस्पिट अपीयर बिफोर द किंग इन हिज ड्रीम। तो जो ट्रिस्पिट थी वो सपने में गई किसके, किंग के, जब सपना देख रहा था किंग तो उसके सपने में गई कौन, ट्रिस्पिट। आई एम द स्पिरिट ऑफ द शैल ट्री ओ किंग, आई वॉज एज फ्री एज ए ब्रीज बट टूडे आई लर्न ऑफ योर प्लान टू कट द ट्री डाउन, आई हैव कम टू बेग यू द चेंज योर माइंड। जो ट्री स्पिरिट थी उसने कहा किंग, मेरे किंग, मैं एक ट्री की आत्मा हूँ और मैंने आज तुम्हारे प्लान के बारे में सुना कि तुम मुझे काटने वाले हो कुछ ही दिनों में, तो मैं तुम्हारे माइंड को बदलने आई हूँ कि मुझे मत काटो। द किंग वॉज नॉट मूव, तो जो किंग था वो नहीं माना, उसने क्या कहा नॉट, नो आई कैन नॉट, मैं नहीं ऐसा नहीं कर सकता, मैं, योर्स इज द ओनली ट्री स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द पैलेस, तुम ही ऐसी वो बहुत ही मजबूत ट्री हो जो मेरे पैलेस को सपोर्ट कर सकती हो। ओ किंग फॉर 1000 years पीपल हैव वर्शिप मी, बर्ड्स हैव देयर नेस्ट ऑन माई ब्रांचेस, पीपल रेस्ट अंडर माई शेड। तो जो ट्री स्पिरिट है वो क्या कहती है कि जो 1000 लोग हैं वो मुझे वर्शिप करते हैं, मतलब कि पूजा करते हैं, बर्ड्स और जो बर्ड्स हैं उनका मेरी ब्रांचेस में नेस्ट है, जो पीपल है वो मेरी शेड में रेस्ट करते हैं, मेरी छांव में रेस्ट, तो लोग आराम करते हैं। द किंग हियर्ड द ट्री स्पिरिट बट इंस्टेड, तो जो किंग था उसने ट्री की बात तो सुनी पर उसे नज़रअंदाज कर दिया, बोला नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, दैट मे बी ट्रू बट आई कैन नॉट स्पेयर यू। तो वो क्या कह रहा है कि ये सही बात है पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, स्पेयर मतलब कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। देन माइटली किंग प्लीज कट मी इंटू 3 parts, फर्स्ट कट अवे द ग्रीन पार्ट, नेक्स्ट कट माई मिडिल विद द 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड हैंड्स, लास्ट ऑफ ऑल कट माई ट्रंक। तो जो ट्री की स्पिरिट है उसने क्या कहा कि अच्छा आप मुझे कट करना ही चाहते हैं, तो मेरी ये विषय कि आप मुझे 3 भाग में कट करें, पहले जो मेरा ग्रीन पार्ट है उसे कट कर दें, और दूसरी जो मेरा ब्रांचेस की पार्ट है उसे कट कर दें, और तीसरा जो मेरे ट्रंक का पार्ट है उसे भी कट कर दें। तो कैसे बोल रहे हैं, जैसे कि ये है, तो पहले बोल रही है कि आप मेरा पहले इतना पार्ट कट कर दीजिए, फिर मेरा आप इतना पार्ट कर दीजिए, फिर आप मेरे ट्रंक को कट कर दीजिए, मेरी जड़ को कट कर दीजिए, वो ऐसा कह रही है। किससे, किंग से। द किंग वॉज सरप्राइज्ड एट द स्ट्रेंग रिक्वेस्ट, तो जो किंग था वो स्प्रिट की, जो पेड़ की आत्मा थी, उसकी रिक्वेस्ट सुन के आश्चर्य हो गया। बट वाई डू यू हैव टू सफर 3 times, तो किंग जो था वो कह रहा है कि पर तुम 3 बार क्यों दर्द सहना चाहती हो, हम तुम्हें एक ही बार में जड़ से काट देते हैं ना, तो तुम 3 बार दर्द क्यों सहना चाहती हो। डजन ऑफ योर साल ट्री हैव स्पंग अप अराउंड मी, इफ यू कट मी विथ 1 stalk दे विल ऑल बी क्रश्ड अंडर माई वेट, बट इफ आई फॉल इन 3 pieces सम ऑफ लिटिल वंस मे स्टिल थ्राइव, डू यू वॉन्ट ग्रैंड माई विश। तो वो ट्री स्पिरिट वो क्या कहती है कि जो हज़ारों जो मेरे नीचे उगे हुए हैं छोटे छोटे प्लांट्स, स्पंक अप अराउंड मी, मतलब कि जो मेरे नीचे उगे हुए हैं प्लांट्स, वो अगर तुम मुझे एक ही बार में काट दोगे तो वो मैं उनके ऊपर गिर जाऊंगी, और मेरे उनके ऊपर गिरने से जो मेरा वेट होगा उनसे वो क्रश्ड हो जाएंगे, उनसे वो नहीं उग पाएंगे और बड़े नहीं हो पाएंगे, पर अगर तुम मुझे 3 पीस में काटोगे तो जो मेरे नीचे जो प्लांट लगे हैं वो ग्रो हेल्दी होंगे, वो अच्छे से ग्रो होंगे, 3 मतलब कि अच्छे से ग्रो होंगे, डू यू ग्रैंड माई विश। तो जो ये ट्री स्पिरिट थी वो क्या कहती है, क्या तुम्हें मेरी विश मंजूर है, क्या तुम्हें मेरी विश मंजूर है। तो ये जो किंग था उन्होंने क्या कहा, यस आई डू, मुझे तुम्हारी विश मंजूर है। द किंग थॉट अबाउट द स्पिरिट वर्ड ऑल नाइट, तो जो किंग था वो स्पिरिट मतलब कि जो पेड़ की आत्मा है उसकी बात को पूरी रात भर सोचता रहा।
द ट्री स्पिरिट इज सो काइंड एंड वाइज, व्हाट ए ग्रेट सेक्रीफाइस इट इज प्रिपेयर टू मेक द मेक फॉर लव। तो क्या कह रहा है कि वो ट्री स्पिरिट कितनी दयालु है, वो तीन बार सेक्रीफाई करने के लिए तैयार है, तीन बार दर्द सहने के लिए तैयार है, पर वो ये नहीं चाहती कि मेरे जो नीचे प्लांट है उनको हर्ट होए। उसका कितना, उसको कितना लव है सबसे, वो किंग ऐसा सोचने लगते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग कॉल्ड द मिनिस्टर एंड हिज फॉरेस्टर। तो जो किंग था उसने अगले ही दिन जब सुबह हुई तो अपने मिनिस्टर और फॉरेस्टर्स को बुलाया उसने। आई हैव चेंज माई माइंड, द कॉलम विल बी बिल्ड ऑफ स्टोन एंड नॉट ऑफ वुड दिस इज बिकॉज वेरी नोबल स्पिरिट लिव इन द साल ट्री। तो जो किंग था उसने क्या कहा कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं जो मेरा कॉलम बनेगा, जो मेरा महल बनेगा वो स्टोन्स का बनेगा, उसकी जो पिलर होगा वो स्टोन की बनेगी ना कि लकड़ी के। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस पेड़, उस जो ट्री है साल ट्री में, उसमें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी आत्मा रहती है ट्री की। तो जो मैजेस्टी थे उन्होंने क्या कहा, थैंक यू योर मैजेस्टी। तो जो किंग, जो मैजेस्टी, जो उसके फॉरेस्टर और उसके चीफ मिनिस्टर थे, वो कहे कि थैंक यू, बहुत धन्यवाद मेरे मैजेस्टी आपकी ये हुक्म देने के लिए। तो वो भी नहीं चाहते थे कि वो कट हो, पर किंग का ऑर्डर था इसलिए वो कर रहे थे। तो यहाँ आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।